दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों कहानी को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी के पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वह किसी के आंखों का काजल भी चोरी कर लेता था और किसी को भनक भी नहीं लगती थी। वह चोर गांव में चोरी करते करते बोर हो गया था। वह चोर दूसरों चोरों के बीच अपनी थाक जमाना चाहता था। उसने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं मैं राजधानी जाकर राजमहल में चोरी करूं? इससे दूसरों चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह चोर राजधानी में आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहां सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक वह राजमहल के चक्कर काटता रहा। बाद में उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती रहती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। फिर वह चोर रात में लोहे की कीले और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हथौड़ी की आवाज दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह उसने 12 कीले ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके वहां से भाग गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी कर सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में राजा जब ये ऐलान कर रहा था तब उसी वक्त वह चोर भी भेष बदलकर राजमहल में उपस्थित था। उस चोर ने अपनी चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उस चोर ने फिर उन सिपाहियों का घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। सिपाहियों के घर जाने के बाद उनकी पत्नियों से पता किया कि उनकी पत्नियां चाहती थी कि उनके पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उस चोर ने सभी सिपाहियों की पत्नियों से कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण करके तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाले लेकिन तुम उसे अंदर आने मत देना और गर्म कोयला करके उसके ऊपर फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। सभी सिपाहियों की पत्नियां राजी हो गई। वहीं पर सारे सिपाही पूरी रात गश्त लगाते रहे और चोर की तलाश करते रहे। जब सुबह के 4 बज गए थे सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि आप घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो सिपाहियों की पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं साधु की बात सच तो नहीं है, जरूर ये चोर है जो भेष बदलकर आया है। वे सारी पत्नियां जलता हुआ कोयला लेकर अपने पतियों के ऊपर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब ये सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। फिर कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ, भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा कि युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक यानी कि वह चोर तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। चोर बोला,
आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ कि इसे कैसे खोलते हैं। फिर कोतवाल मान गया और जैसे ही वह कोतवाल अंदर गया, चोर ने दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मैं चोर हूँ, पर आप नहीं माने। फिर कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। फिर दूसरे दिन सिपाहियों की मदद से कोतवाल को जेल से बाहर किया गया और फिर वह कोतवाल राजा के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। कोतवाल की पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब राजा ने खुद से चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमा कर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उस पेड़ के नीचे बैठे साधु को देखकर राजा ने पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते हुए देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला, मैं ध्यान में था इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु यानी उस चोर को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा होने के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। फिर राजा साधु का भेष बनाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह चोर राजा के कपड़े पहने हुए था। फिर वह चोर घोड़े पर बैठकर राजमहल में आकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल में लौटने का फैसला किया। जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा, तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफी पहले महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। इसीलिए उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। सुबह होने पर एक मंत्री ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा ने महल में पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसकी पोशाक पहनकर वह फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ये ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। वह चोर भी उसी भीड़ में मौजूद था। फिर वह चोर भीड़ से बाहर निकलकर बोला कि मैं चोर हूँ। सबूत के तौर पर चोर ने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने फिर भेंट में उस चोर को एक गांव दे दिया और साथ ही उस चोर से यह वादा लिया कि वह भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान बुद्धिमान और समझदार है तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को साबित कर सकता है। और कहानी खत्म। वाह मोदी जी, क्या मजेदार कहानी सुनाई, सुनकर बहुत ही मजा आया। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ।